मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी और वो आप लोगों ने बताने हैं कि ये आप शादी से पहले शादी के बाद। आई लव कि एक्सप्रेशंस का कितना फर्क है। ये मेरी एक सरकास्टिक सी स्माइल है जो मैंने यूं किया है, सो दिस इज माय लाइक शादी से पहले की स्माइल एंड माय शादी के बाद की स्माइल। लाइक मैं इतनी भी ना खुश नहीं थी। अच्छा देखो, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत पैनिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत तहमुल वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं कम बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं तुम दोनों से सवाल करी, जो सामने वाला कभी बात कर रहा होता था तो शादी से पहले तहमुल से सुनते थे आप लोग या शादी के बाद तहमुल से सुनते? और अगर दोनों टाइम नहीं सुनते फिर क्या करें? बोलो, बता दो कि दोनों टाइम नहीं सुनते हम। मतलब दोनों टाइम नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं दोनों टाइम, मतलब मैं ऑब्वियसली सुनती हूँ, लेकिन मेरा एक रहता है बीच में कि नहीं ये तो ऐसे ये तो वैसे, एक रहता है। मतलब शादी से पहले और दोनों शादी के बाद कोई फर्क नहीं? हाँ नहीं, आई थिंक दोनों, या दोनों में तामुल से नहीं सुनती? नहीं नहीं। और तुम्हारी क्या नेचर है? मैं सुनती, मेरे मूड पे डिपेंड करता है के सुननी चाहिए या नहीं सुननी। अब मैं सुन लेती हूँ। हाँ I think मैं अब ज़्यादा सुनती हूँ। अब सुनती हूँ ज़्यादा। हाँ पहले तुम थोड़ी लावबाली थी शादी से पहले, लाइक टीनेज तो लावबाली थी कि नहीं? मैं टीनेज तो बहुत देर से नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि ऑनेस्टली मेरे मूड पे डिपेंड करता, बट हमजा की बात में अब तहमुल से ज़्यादा सुनती हूँ। हाँ अब अच्छा, पहले नहीं सुनती थी? आई थिंक मैं बहुत काम हो गई हूँ शादी के बाद। I don't know, ये normal ही हो जाते हैं लोग काम। अच्छी बात है। मैं थोड़ी relaxed और calm और whatever हो गई। अच्छी बात है। तो इसका मतलब हमजा का हाथ है तुम्हें काम करने। हाँ? अच्छा अब अगर मैं तुमसे पूछूँ कि गुस्से का तेज हमजा है या उष्णा है, तो कौन है ज्यादा comparatively? उष्णा? There's no comparison. और अगर मैं अरीबा से यही सवाल करती हूँ कि गुस्से की तेज अरीबा है या सादा है? हम दोनों नहीं है। दोनों नहीं? दोनों नहीं, हम दोनों को गुस्सा नहीं आता। मेरा गुस्सा बस वो वाला होता है कि बस एकदम 5 मिनट में आया और 5 मिनट में ही चला गया। और सादा इनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में खामोश होके बस कहते हैं वॉक पे बाहर चलते हैं या कुछ इस तरह का, बट वो कभी गुस्सा नहीं करते। उनका गुस्सा मैंने अभी तक इस तरह का देखा नहीं है कि मैं बोलूँ कि आप बहुत गुस्सा नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा नाराजगी अगर होती है छोटी मोटी तो वो तो चलती है जिंदगी में, तो नाराजगी में मनाना ये शादी के बाद आपके अंदर चेंज आया या होता है ना, कभी खुद मनाता है बंदा कभी दूसरा मनाता है, तो उष्णा के लिए मैं अगर ये सवाल करूँ कौन मनाता है, हमजा मनाता है कि अभी हमारी कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा सच नहीं हुई कि किसी को भी मनाना पड़े, अभी तो शादी हुई है। लेकिन तुम्हारी खुद की नेचर कैसी है शादी से पहले और शादी के बाद वाली ना, तो वो भी तो पता चले हमें। आपको क्या लगता है? मुझे तो मूडी लगती हो, मूडी लगती हो, मुझे लगता है कि हाथी भी निकल जाता है और कभी दुम भी फंस जाती है। या वो वाली चीज या है ना, अगर मैं एनालाइज करूं तुम्हारी पर्सनालिटी, इट्स वेरी मूडी, लाइक इट्स या। तो शादी से पहले भी तुम्हें कोई बड़ी बात बुरी नहीं लगी और कोई छोटी बात? मुझे अब कम गुस्सा चढ़ता है, सो इसलिए अब मनाने का मुझे ऐसा कुछ इतना है नहीं। अब ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, हुआ नहीं है, डेढ़ महीने अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे क्या सीन है मनाना? और मुझे लगता है कि दोनों टाइम है, क्योंकि शादी से पहले भी हम दोनों का बैलेंस था कि लाइक लड़ाई होती थी तो दोनों एक दूसरे को लाइक बात कर लेते थे या कुछ भी, और शादी के बाद भी तो सेम है। कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों कर लेते हैं बात आपस में। अच्छा नींद पे कंट्रोल, भाई कुछ भी है, आप अपने अम्मा के घर में होते हैं, आप अकेले रह रहे होते हैं, आपकी मर्जी, आप सुबह सोए दोपहर सोए शाम सोए, कोई अब मतलब कोई रोक टोक नहीं होती ना, अम्मा अब्बा कहते तो कोई खैर है, एक कान से सुन के हम दूसरे कान से निकाल देते हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप ससुराल के साथ रह रहे होते हैं तो जिंदगी फर्क होती है। तो नींद उष्णा क्या है तुम? मुझे तो इंसोम्निया है, मैं अभी 2 रातों से नहीं सोई, कल मैं 1.5 घंटा सोई हूँ, आज मैं 1 घंटा, बिकॉज मेरी आज फ्लाइट थी, फ्लाइट से पहले मैं नहीं सो सकती। और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से बहुत कंसर्न है कि जब वो नहीं भी होते मुल्क में, तो इट्स ऑलवेज लाइक यू आर गोइंग टू गेट सिक, फॉर मी प्लीज आज सो जाओ, आज ये मेलाटोनिन खा लो, प्लीज जस्ट स्लीप फॉर मी, सो ही इज जस्ट वरीड। व्हेन ही इज देयर आई स्लीप रियली वेल, बिकॉज देन ही फोर्सेस मी, ही इज लाइक गुड स्लीप। सो मेरा तो एक हेल्थ फैक्टर है इसमें, बिकॉज आई डोंट स्लीप। मतलब लाइक तुम जब अकेली भी रहती थी तब भी तुम नहीं सोती? या मेरा बचपन से इशू है, एंड इट्स गॉटन much better with him, alhamdulillah. Yeah, much better. और वो बहुत जल्दी उठते हैं ना, उनको तो 7:30 early riser है, क्योंकि golf खेलते हैं जाहिर है, जो sportsman होता है उसकी तो discipline होती है, बहुत discipline, बहुत discipline, उसका lifestyle बहुत different होता है।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.